देखिए ग्रैप के तहत वायु प्रदूषण के सुधार हेतु जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है और आज नोएडा प्राधिकरण के ठेकेदार पे सेक्टर 96 में जो अंडरपास बन रहा है एक्सप्रेसवे पे उस पे खुले मिट्टी धूल उड़ने के कारण 50,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किए जाने के लिए भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर 116 में दो बार वार्निंग इशू की जा चुकी थी, उन लोगों ने कहना नहीं माना तो उन पे भी जो है तीन जगहों पे 2 पे 30,000 और 1 पे 20,000 की कार्रवाई कर दी गई है। देखिए नियमित रूप से कार्रवाई चलेगी, क्षेत्र में टीमें रहेंगी, प्राधिकरण पुलिस आरटीओ साहब के सहयोग से, पूरा जिले प्रशासन के सहयोग से यही प्रयास रहेगा कि नोएडा क्षेत्र में किसी भी तरीके से लोकल स्तर पे वायु प्रदूषण को ना बढ़ने दिया जाए।